दोस्तों, एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी तैयार। ऐसा ही हो रहा है आजकल के। कभी तो उत्तराखंड में चालान होते हैं, कभी दिल्ली में चालान होते हैं। अब करें तो क्या करें। अभी अभी जो कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, आज कई सारे कमेंट्स आ चुके हैं, जो कि उसमें बताया जा रहा है कि ड्रेस जो हमारी वर्दी होती है, टैक्सी ड्राइवर की वर्दी होती है और जो मालिक की वर्दी होती है, कोई कहता है कि मैंने वर्दी नहीं पहनी थी, कोई कहता है मैंने वर्दी तो पहनी थी लेकिन उसमें वो नहीं था कि ये नहीं था। तो आज हम आपको बता देंगे कि किस तरीके की वर्दी आपको पहननी चाहिए और किस तरीके की नहीं। जैसा कि अभी जो कमेंट्स आ रहे थे, किसी का कमेंट्स आ रहा है कि मेरा 500 रुपये का चालान हो गया, कोई कह रहा है मेरा 20,000 का चालान हो गया, वर्दी नहीं थी। तो दोस्तों, इन चालानों से बचने के लिए आपको जो है टैक्सी ड्राइवर्स की वर्दी जो पहननी चाहिए। अगर टैक्सी मालिक हो आप, ऑपरेटर, तो आपको उस तरीके की वर्दी पहननी चाहिए। आपको यूनिफॉर्म में रहना चाहिए, आवश्यक है। तो हम आपको बता देंगे किस तरीके की वर्दी जो पहननी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं कि कोई भी वर्दी जो है अलाउ नहीं है, कोई भी यूनिफॉर्म जो है वो अलाउ नहीं है पहनना। अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया गया दोस्तों, ऐसा नहीं है डिसाइड नहीं किया गया है। डिसाइड किया गया है आपको किस तरीके की वर्दी चाहिए, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश कुमार, आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि दोस्तों टैक्सी लाइन से जुड़ी हम हर रोज एक नई वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, भारतीय चालक एकता जिंदाबाद, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मैं पहले स्टार्ट करता हूँ कि वर्दी किस तरीके की पहननी चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए। देखो ड्राइवर के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि ड्राइवर्स जो हैं ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं और जो ऑपरेटर होते हैं वो कम चलाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि ऑपरेटर के नाम पर जब गाड़ी होती है, फर्स्ट ओनर जो होता है उसने गाड़ी बेच दी होती है, तो कोई कोई एफिडेविट भी नहीं बनवाता है, वो गाड़ी डायरेक्टली ले लेते हैं, तो उन्हें ड्राइवर ही कहलाएंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको किस तरीके की वर्दी पहननी चाहिए। अगर आप ड्राइवर हो तो आपके लिए जो वर्दी बनाई है वो जो आसमानी कलर की जो शर्ट होती है ना, जो आसमानी कलर की शर्ट होती है वो तो शर्ट आपको ले लेनी है, और उसमें आपको यहाँ पर एक फीत इधर और एक इधर दोनों साइड लगे होने चाहिए, और दो जेबें होनी चाहिए ढक्कन वाली। ठीक है, वो तो है कि हो गई एक आपकी जो ड्रेस जो शर्ट होती है शर्ट हो गई, और पैंट जो होता है हल्का ब्लू कलर का जो पैंट है वो आप ले लेंगे तो वो भी चलता है, और शूज़ पहन सकते हैं आप, बगैर शूज के चलेंगे तब भी आपका चालान कर दिया जाता है। ठीक है, आपको शूज भी पहनने और जो ब्लू कलर का एक पेंट होता है वो ले लेनी है आपको, और एक आपको आसमानी कलर की शर्ट ले लेनी है अगर आप ड्राइवर हो तो, और उस पर यहाँ पर फीत भी लगे होने चाहिए दोनों शोल्डर्स पर, और डबल जेब होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे बटन कितने होते हैं, तो भाई बटन के बारे में अभी तक रिलेटेड बटन से कोई भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कितने बटन होने चाहिए। ठीक है, आप इतना कर लोगे तो भी आपका चालान नहीं होगा। और जो गाड़ी ओनर हैं, जो गाड़ी ऑपरेटर हैं, उनके लिए मैं बता दूं आपको वाइट शर्ट ले लेनी है। और आप लोग कहते हैं कि हमें तो फीत की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि हम तो गाड़ी के मालिक हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी आपको वाइट शर्ट अलाउ है, लेकिन आपके फीत होनी चाहिए इधर भी और इधर दोनों साइड, और डबल जेब आपके भी होने चाहिए। ठीक है, तो ही अलाउ होगा। वाइट शर्ट और वाइट पैंट में आप गाड़ी चला सकते हैं अगर आप गाड़ी मालिक हैं तो। ठीक है, और आपके पैरों में शूज़ ज़रूर होने चाहिए, अगर आपके पैरों में जूते नहीं हैं तब भी आपका जो चालान है वो कट सकता है। और दोस्तों अभी जो चालान कट रहे थे दिल्ली में, बताया जा रहा था, कई सारे वीडियो जो कई सारे कॉल रिकॉर्डिंग जो है हमने सुनी, कई सारे ग्रुपों में शेयर हो रही हैं वो रिकॉर्डिंग, के 5 नंबर वाले जो हैं चालान कर रहे हैं, जो बाहर से गाड़ी आ रही है, यूपी नंबर, हरियाणा नंबर, राजस्थान नंबर, तो उसका क्या है कि अभी तक कोई भी सबूत हमें नहीं मिल पाया। दिल्ली गए थे, दिल्ली में भी कोई सबूत नहीं मिला है। उसके रिलेटेड मैं जो है नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें बता दूंगा क्या करना है, किस तरीके से चालान आपके कटेंगे, किस तरीके से आपके चालान नहीं कटेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, और जो है आपका कोई और सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए। ठीक है, आपका सवाल का जवाब जो है नेक्स्ट वीडियो में अवश्य मिलेगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।